प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं मनीष शर्मा मैथ के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बच्चों आज है हमारे वेक्टर का लेक्चर नंबर 13। तो बच्चों इसके बारे में हम ऑलरेडी 13.2 तक डिस्कस कर चुके हैं और आज का जो 13.3 रहेगा वो आपका उसके जो एग्जांपल है 13.3 जो आपके स्केलर सॉरी वेक्टर प्रोडक्ट के ऊपर बेस है कंप्लीट उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। तो यदि आपको याद हो प्रीवियस दो लेक्चर में हमने आपके जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है उसके ऊपर चर्चा की है जिसके अंदर हमने उसके बेसिक उसकी प्रॉपर्टीज और जो ज्योमेट्रिकली वो क्या रिप्रेजेंट करता है उन सब बातों के ऊपर चर्चा की। तो आज बच्चों हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चंस को जो है आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 16। तो आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 16 जिसमें आपको दिया गया स्टूडेंट कि 2i-3j+4k क्या दिया स्टार्टिंग में 2i-3j+4k क्रॉस 3i+4j-4k 3i+4j-4k का मान ज्ञात करना है यानी इसके आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसका बेसिकली अर्थ यही हो गया बच्चों कि आपको दो वेक्टर दे दिए और आपको क्या करना है इनका क्रॉस प्रोडक्ट ज्ञात करना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट ज्ञात करने का आपको जो प्रोसेस बताया है यहाँ पे लिखोगे आप आई केप जे केप और के केप। यहाँ पर जो फर्स्ट वेक्टर के कॉम्पोनेंट है उनको लिखो क्या आएगा यहाँ से 2 यहां से -3 और यहां से 4। इसके कंपोनेंट को लिखे तो आएगा 3, 4 and -4। ठीक है स्टूडेंट, इतने बार दिमाग में फीड हो गई होगी। आगे देखिए, अब यदि आप इस सारणी का प्रसार करोगे फर्स्ट रो से यानी पहली पंक्ति से तो क्या आएगा। तो फर्स्ट रो आपकी आई जे की, तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास एक डिटर्मिनेंट बनेगी यहाँ पे -3, 4, 4, -4 फिर आएगा माइनस का जे के। इसके क्रोस्पॉन्डिंग जो डिटर्मिनेंट बनेगी वो होगी 2, 3 और 4, -4 2, 3, 4, -4 प्लस के कैप और इसके अकॉर्डिंग जो बनेगी इनको छोड़ दो 2, 3, -3, 4 2, 3, -3 और इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं, तो आएगा आई कैप -4 into -3 हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा माइनस का 16 माइनस जे कैप ये हो जाएगा -8 -12 प्लस के कैप ये हो जाएगा 8 + 9 इतनी क्लियर हो गई होगी। अब देखो 12 - 16 कितना होगा माइनस का 4 साथ में आई कैप लगेगा तो -4 i कैप -12 - 8 हो जाएगा यहाँ पे -20 और -+ तो ये हो जाएगा +20 j कैप और 8 + 9 कितना हो जाएगा 17 तो ये हो जाएगा +17 k कैप। तो ये स्टूडेंट आपका आंसर हो गया किसका इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट अर्थात वेक्टर प्रोडक्ट यानी सदिश गुणनफल का। तो बताइए स्टूडेंट आपको ये बात समझ आई या नहीं आई, कोई डाउट है किसी को, कर सकते हो। सिंपल सी प्रोसेस है आपको ऐसा बच्चों यदि पहली बार ऐसा क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में आता है वो भी 1 मार्क्स का आता है। ठीक है, सिंपल सा क्या होगा जैसे शायद इस बार आया भी है कि आपको दो वेक्टर दिए हुए मिलेंगे सिंपल से इस तरीके के और आपको ये बोल दिया जाएगा कि उनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट कीजिए। तो ये प्रोसेस आपको याद रखनी है। यदि ये समझ आ गया तो स्टूडेंट हम बढ़ते हैं आप हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर जो है आपका एग्जाम्पल नंबर 17। इसके ऊपर आते हैं तो देखो हमें दिया गया स्टूडेंट कि यदि ए वेक्टर 3i+j+2k हमारे पास एक वेक्टर है 3i+j+2k कैप
और इसी टाइप से एक बी वेक्टर है 2i-2j+2k, 2i-2j+2k कैप। और हमें दिया है ए एवं बी दोनों के लंबवत इकाई सदिश एन केप ज्ञात कीजिए। तो इसके जो मैं इंग्लिश में कह रहा हूँ कि हमें स्टूडेंट क्या दिए, दो वेक्टर दे दिए, एक दे दिया ए वेक्टर और एक दे दिया बी वेक्टर। आपको क्या करना है, इन दोनों के ऊपर लंबवत एक वेक्टर बताना है, यानी एन केप ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट यदि आपको याद हो, यानी एक ऐसा वेक्टर जो ए और बी दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर हो और यूनिट वेक्टर हो, तो यदि आपको याद हो तो मैंने ये बात आपको सॉल्व करवाई है। याद कीजिए कहाँ, मैंने आपको बेसिक बताया था जब प्रीवियस लेक्चर्स में, तो मैंने कहा था एन केप जो होता है वो ए और बी दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर अर्थात लंबवत होता है। और इसको ज्ञात कैसे किया जा सकता है, तो मैंने ये बताया था कि जो एन केप की डायरेक्शन होगी वो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होगी। तो यदि मैं सबसे पहले ए क्रॉस बी यदि यहाँ पर ज्ञात कर लेता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पर ए क्रॉस बी ज्ञात करके और उसके अकॉर्डिंग एन केप ज्ञात कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो सबसे पहले हमारा उद्देश्य क्या रहेगा, ए क्रॉस बी किसे डिनोट करता है, एन वेक्टर को। याद रखिएगा ए क्रॉस बी किसे डिनोट करेगा, एन वेक्टर को। एन वेक्टर का अर्थ हो गया कि ऐसा वेक्टर जो ए और बी दोनों के ऊपर लंबवत है अर्थात परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इसको लिखने की प्रोसेस आप सब जानते ही हो, आई केप, जे केप और के केप। फिर ये आ जाएगा 3, 1, 2, इसे 2, -2 एंड 2, ठीक है इतना। फिर प्रसार कीजिए भाई का, अब जो हम डायरेक्टली चलेंगे 2 इंटू 1, 2 माइनस का, -2 इंटू -2 -4, लेकिन -4 हो जाएगा, माइनस का जे कैप 2 इंटू 3, 6, 2 इंटू 2, 4 प्लस के कैप -6 और -2। इतने बात क्लियर होगी, डायरेक्टली लिखा है, आप उसी तरीके से डिटर्मिनेंट बना के छोटी छोटी सोल्व कर सकते हो, यदि यहाँ पे डायरेक्टली भी लिख सकते हो। तो ये जगह स्टूडेंट 4 प्लस 2, 6 i कैप, 6 माइनस 4 होगा 2, तो हो जाएगा -2 j कैप, -6 माइनस 2 होगा -8 k कैप। ये हमारे पास क्या आ गया, एन वेक्टर आ गया, ये हमारे पास स्टूडेंट क्या आ गया, एन वेक्टर आ गया। लेकिन हमें तो एन केप की जरूरत है, तो एन केप का फॉर्मूला क्या होगा, एन वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर, अर्थात किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से यदि डिवाइड कर दिया जाए तो जो हमारे पास स्टूडेंट रिजल्ट आता है वो क्या होता है, हमारा एन केप, सॉरी उसका इकाई सदिश होता है, यानी उसका यूनिट वेक्टर होता है, यानी किसी सदिश को उसके परिमाण से भाग देना होगा। तो सबसे पहले हमें मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ेगी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एन क्या होगा, 6 प्लस -2 का होल स्क्वायर प्लस -8 स्क्वायर। तो इसको सोल्व करते हैं, ये होगा 36 प्लस 4 प्लस ये होगा 64। इनको जब आप ऐड करोगे सबको तो ये आएगा 104, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो 26 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 2√26। तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर है अर्थात एन सदिश का जो परिमाण है वो आ जाएगा 2√26। इतनी बात समझ आ गई, सिंपल सी प्रोसेस है, सबसे पहले वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट किया फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाला। एन केप का फॉर्मूला हमारा लिखा हुआ है, तो एन केप को हम क्या लिखेंगे, 6i-2j-8k डिवाइड बाय 2√26। तो यहाँ से सबसे पहले ऊपर से 2 कॉमन आ सकता है ना, यदि 2 कॉमन लिया जाए तो 3i-j-4k कैप डिवाइड बाय 2√26, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा,
तो आ जाएगा एन केप थ्री आई माइनस जे माइनस फोर के डिवाइड बाई रूट ऑफ 26। ये आपका आंसर आ गया। देखिए स्टूडेंट, कोई डाउट है तो बताइए। सिंपल सी प्रोसेस है जो आपके बेसिक नॉलेज पे डिपेंड करेगी सारी। सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए कि जो परपेंडिकुलर वेक्टर है वो क्या होता है। दो वेक्टर यदि दे दिए जाएं और उनके लंबवत दिशा में, उनके परपेंडिकुलर की डायरेक्शन में यदि आपको कोई वेक्टर फाइंड आउट करना हो तो सबसे पहले आप उनका क्रॉस प्रोडक्ट पता करो। प्रोसेस आप जानते हो डिटर्मिनेंट मेथड सारणी के द्वारा। उसके बाद आपको दिया था कि उसका हमें यूनिट वेक्टर पता करना है। तो यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। क्या होती है कि किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से यदि मैं डिवाइड कर दूं तो जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, हमारा यूनिट वेक्टर होगा। तो मैग्नीट्यूड की तो जरूरत है, मैग्नीट्यूड आप जानते हो इस तरीके से हो तो इन सब के स्क्वायर का सम यानी एक्स आई केप वाई जे केप जेड के केप हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो मैंने सबके स्क्वायर का सम कर दिया, यह आ गया 2√26। फिर इसको इससे डिवाइड कर दिया तो रिजल्ट आ गया। कोई डाउट है, आगे बढ़े फिर। तो आगे देखिए अब इसको, तो आगे यदि हम देखते हैं तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा एग्जांपल नंबर 18। तो उसके ऊपर जाते हैं। स्टूडेंट जो एग्जाम्पल नंबर 18 है उसके ऊपर अब आप फोकस कीजिए अपना। एग्जाम्पल नंबर 18 आपको दिया हुआ है कि यदि a क्रॉस b वेक्टर इक्वल टू c क्रॉस d वेक्टर, यानी स्टूडेंट आपको कुछ ऐसा दिया गया है a क्रॉस b वेक्टर इक्वल टू c वेक्टर क्रॉस d वेक्टर, ठीक है, और दिए साथ में a क्रॉस c इक्वल टू b क्रॉस d, साथ में दिया है a क्रॉस c इक्वल टू B क्रॉस D, ये भी दिए। तो सिद्ध कीजिए यानी प्रूव करना आपको A माइनस डी एंड B माइनस सी समांतर है अर्थात पैरेलल है, ये प्रूव करना है। क्वेश्चन है कि इफ A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इक्वल टू C क्रॉस D एंड A क्रॉस C इक्वल टू B क्रॉस D देन प्रूव A माइनस डी कोमा बी माइनस सी इज पैरेलल, सॉरी आर पैरेलल, यानी ये पैरेलल कब होंगे, तो आप फिर आप बेसिक पे आइए, प्रीवियस लेक्चर्स पे आइए। आपको बताया था यदि दो वेक्टर लंबवत अर्थात परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, और यदि दो वेक्टर कोलिनियर या पैरेलल अर्थात समांतर या संरेख हो तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो। तो अब आप ये सोचिए कि यदि मैं इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो कर दूं, क्या कह रहा हूं आराम से समझिए कि यदि मैं इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो कर दूं तो क्या ये दोनों पैरेलल नहीं हो जाएंगे, यानी समांतर नहीं हो जाएंगे। बात समझ आ रही है जो मैं कहना चाह रहा हूं। भाई मैंने आपको बताया था यदि दो वेक्टर पैरेलल हो यानी समांतर हो, कोलिनियर या संरेख हो, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो। अब मुझे ये सिद्ध करना है, ये प्रूव करना है कि ये पैरेलल है, तो मैं ये सिद्ध कर दूं कि इनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है तो ये बताइए अपने आप पैरेलल नहीं हो जाएंगे क्या। अब बस समझ आ गई होगी कि करना क्या है, तो इसलिए बेसिक हमारा स्ट्रॉन्ग होना स्टूडेंट जरूरी है। तो इसे मैं ये लिखूंगा ए माइनस डी क्रॉस बी माइनस सी, और जो हम जानते हैं वेक्टर होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन लो अर्थात बंटनता का पालन करते हैं, तो वो इस पे यूज कर लो। तो सबसे पहले क्या आएगा, ए क्रॉस बी माइनस सी माइनस डी क्रॉस बी माइनस सी, इतने बस समझ आ गई। अब इनको अलग अलग करके लिख दो, तो ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस डी क्रॉस बी माइनस माइनस प्लस डी क्रॉस सी। अब जो क्वेश्चन के ऊपर आते हैं स्टार्टिंग में, हमें जो जो वेक्टर दिए गए हैं हम उनको बनाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में ए क्रॉस बी दिया गया है तो इसको मैं चेंज नहीं करूँगा, फिर मुझे ए क्रॉस सी भी दिया गया है तो इसी को भी मैं चेंज नहीं करूँगा,
डी क्रॉस बी नहीं है, मेरे पास क्या है बी क्रॉस डी, तो इसका मैं साइन चेंज करूंगा, सॉरी इनको जब बी क्रॉस डी लिखूंगा तो साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, और क्वेश्चन में वहां पे सी क्रॉस डी है ना कि डी क्रॉस सी, तो इनको भी आगे पीछे कर दो तो आगे भी इसके क्या साइन आ जाएगा माइनस का। अब आप ध्यान से देखो तो ये दोनों इक्वल है, ये दोनों भी इक्वल है, कैंसिल हो जाएंगे तो स्टूडेंट जो आपका रिजल्ट है वो क्या आएगा जीरो। इसका मतलब यदि इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो जीरो है तो ये दोनों वेक्टर क्या हो जाएंगे पैरेलल अर्थात समांतर नहीं हो जाएंगे क्या। तो ये बच्चों आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, आराम से देखिए कोई डाउट है तो। क्लियर हो गई बात, बस आपको जो बेसिक प्रोसेस है इसकी वो माइंड में रखनी है, एक्स्ट्रा कोई बात आपके दिल में नहीं होनी चाहिए। सिंपल सी बात है कि भाई पैरेलल प्रूफ करने के लिए आप ये रखो देखो कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होना चाहिए जीरो, परपेंडिकुलर अगर प्रूफ करना हो तो वहां पे उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए, बस उन्हीं दो बातों का इस्तेमाल करके हमने इसे को सॉल्व किया। कोई डाउट हो तो आप देख सकते हो, बाकी क्वेश्चन कंप्लीट है, आगे बढ़े तो फिर बच्चों हम आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 19 की ओर। तो स्टूडेंट जो एग्जाम्पल नंबर 19 है उसकी ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, एक बार क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, मुझे सुनिए कि यदि ए क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू सी क्रॉस बी वेक्टर हमें दिया गया है, गिवन टू अस ए क्रॉस बी इक्वल टू सी क्रॉस बी कुछ ऐसा, तो सिद्ध कीजिए यानी प्रूव करना है ए माइनस सी इक्वल टू लेमडा बी, ए माइनस सी इक्वल टू लेमडा बी वेक्टर होगा जहां लेमडा कोई एक स्केलर वैल्यू है यानी कोई एक अदिश राशि है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए स्टूडेंट आपको 13.1 का जो बेसिक बताया गया है आपको उसके ऊपर आना पड़ेगा, बस मैं जारी जो मैं कह रहा हूं इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको 13.1 है उसका बेसिक समझना पड़ेगा दोबारा। तो उसके ऊपर आते हैं, मान लीजिए स्टूडेंट दो वेक्टर हैं, ठीक है, तो यदि मैं बी में किसी अदिश अर्थात स्केलर वैल्यू का मल्टीप्लाई करूं और वो यदि ए के इक्वल आ जाए तो उस कंडीशन में ये दोनों क्या होते हैं कोलिनियर या पैरेलल होंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब दो सदिश संरेख हो या पैरेलल हो यानी समांतर हो तो हम क्या करते हैं कि एक संख्या का किसी में गुणा करके दूसरे वेक्टर में बदला जा सकता है, बस डिफरेंस इतना होगा यदि लैम्डा प्लस है तो डायरेक्शन सेम रहेगी और यदि लैम्डा माइनस है तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। आई बात समझ में इतनी, ये आपको मेरी बताई हुई है कि जब एक वेक्टर को किसी न्यूमेरिकल वैल्यू से मल्टीप्लाई करके दूसरे के इक्वल लिया जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है वो दोनों कोलिनियर या पैरेलल होते हैं। हाँ बस फर्क ये होता है कि यदि लैम्डा पॉजिटिव है तो वो क्या होंगे उनकी डायरेक्शन सेम रहेगी और यदि लैम्डा नेगेटिव है तो उनकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी अपोजिट हो जाएगी, ठीक है, तो ये याद रखना है। तो ये बात आई है, इससे एक चीज तो स्पष्ट हो जाती है कि मुझे ये सिद्ध करना होगा कि जो a माइनस सी है वो b के क्या है पैरेलल या कोलिनियर है, इतनी बात तो समझ आ गई होगी, यानी मुझे क्या प्रूव करना है जो a माइनस सी है वो b के पैरेलल या कोलिनियर है। तो सबसे पहले यदि मैं ये प्रूव कर दूं a माइनस सी का b के साथ क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगा, यदि मैं ये सिद्ध कर दूं कि a माइनस सी का b के साथ क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा जीरो होगा तो वो बात अपने आप ही सिद्ध हो जाएगी। तो इसलिए मैं सबसे पहले क्या करता हूँ इसको मैं लिखता हूँ दोबारा a क्रॉस b इक्वल टू c क्रॉस b, इसको उधर ले जाएं इसे इस साइड ले आए तो क्या आ जाएगा a क्रॉस b माइनस c क्रॉस b इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो। अब b कॉमन लेकर क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है,
यस और नो? क्या इसे इस तरीके से लिखा जा सकता है क्या? यदि याद हो तो पीछे वाला क्वेश्चन हमने कुछ ऐसा ही किया था, ऐसा था तो मल्टीप्लाई ए क्रॉस बी माइनस सी क्रॉस बी लिखा जा सकता है ना। तो यहां से एक चीज क्या क्लियर होगी कि ए क्रॉस सी का बी के साथ जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। इससे रिजल्ट ये बन जाएगा कि ए माइनस जो सी है वो बी के साथ या तो कोलिनियर होगा या पैरेलल यानी संरेखा समांतर में से एक होगा। तो यदि इसको इसके बनाना हो इक्वल तो बी में मुझे किसी का क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां से ये बात प्रूव हो गई। देखिए कोई डाउट है तो बस समझ आ गई होगी स्टूडेंट। यानी सिंपल सी प्रोसेस है, सिर्फ आपको याद रखना है कि जो अभी तक हमने 13.1 13.2 का जो बेसिक जितना भी पढ़ा उसको 13.3 का भी उनको कंबाइंड करना आपको आना चाहिए, उससे मिला जुला ये रिजल्ट रहेगा। बस आपका बेसिक नॉलेज स्ट्रांग होना चाहिए, पता होना चाहिए भी ये वैल्यू कब बनती है कि जब वो पैरेलल या कोलिनियर हो। उन दो कंडीशन में मैं ऐसा कुछ लिख सकता हूँ, पैरेलल या कोलिनियर होने पर आपको पता होगा कि उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, फिर जीरो होगा। तो फिर मैंने क्रॉस प्रोडक्ट को जीरो कर दिया और क्वेश्चन सोल्व हो गया। बच्चों इसका जो एग्जाम्पल नंबर 20 है वो थोड़ा सा मैं आपको हिंट देके बता रहा हूँ, बाकी सोल्व आपको करना है, ठीक है? प्रोसेस बता रहा हूँ कंप्लीट। क्वेश्चन है कि यदि ए पॉइंट है जिसके स्टूडेंट कोऑर्डिनेट है 1, 2, 2, हमारे पास ए कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है 1, 2, 2 और बी कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है 2, -1, 1 और सी कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है -1, -2, 3 कुछ ऐसा, ठीक है? और ये कह रहा है कि समतल में तीन बिंदु हो तो समतल ए बी सी के अभिलंब की दिशा में एक सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 5 इकाई हो। तो क्वेश्चन ये हो गया कि हमारे पास कोई एक प्लेन है जिसके अंदर हमारे पास तीन पॉइंट डिफरेंट पॉइंट है ए बी और सी। जैसे फॉर एग्जांपल ये बोर्ड को आप प्लेन मान लो, ये ए ये बी और ये सी मान लिया। तो जिस भी प्लेन के ऊपर है उसके ऊपर हमें एक ऐसा अभिलंब यानी परपेंडिकुलर वेक्टर बताना है जो इस पूरे प्लेन के ऊपर क्या हो, लंबवत हो अर्थात परपेंडिकुलर हो। तो इतना तो आप समझ गए होंगे यदि कोई वेक्टर इस पूरे प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है तो वो ए बी और ए सी के ऊपर भी क्या होगा, परपेंडिकुलर अर्थात लंबवत होगा या नहीं होगा? ये लंबवत ही होगा भाई। यदि वो इस पूरे बोर्ड के ऊपर लंबवत है, भाई यदि मैं कोई वेक्टर ले रहा हूँ जो वो इस बोर्ड पूरे पे कहीं पे भी लूँ लंबवत है यानी परपेंडिकुलर है, तो इनके ऊपर भी वो क्या रहेगा, परपेंडिकुलर लंबवत ही रहेगा। और लंबवत वाले पे केस पे आओ तो आपको क्या बताया था, ए क्रॉस बी क्या बताता है, दोनों के परपेंडिकुलर अर्थात लंबवत वेक्टर को बताता है। ए क्रॉस बी क्या बता रहा है हमें, दोनों का जो परपेंडिकुलर है जो दोनों पे लंबवत है उसी वेक्टर को तो बताएगा। तो बस फिर हमारा काम कंप्लीट हो जाता है। यानी हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले ए बी और ए सी दो वेक्टर पता करने होंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम पता करेंगे ए बी वेक्टर को। तो ए बी वेक्टर क्या होगा, बी के कंपोनेंट माइनस ए के कंपोनेंट। तो क्या आ जाएगा, बी है 2, ए का है यहाँ पे 1, आई कैप प्लस -1, -2, जे कैप 1, -2, ए कैप। तो इसको क्या लिखा जाएगा, 2 - 1 1 होता है, ये हो जाएगा -3j और ये -1k, यानी इसको सीधा लिखो ए बी वेक्टर बन गया। अब स्टूडेंट बारी आती है ए सी वेक्टर को बनाने की। तो क्या होगा, सी से ए के कंपोनेंट माइनस करोगे तो सी का सबसे पहले -1, तो यहाँ पे भी -1 आई कैप, फिर सी का -2 तो वहां पे भी -2j कैप, फिर है यहाँ पे 3 वहां -2k कैप। तो अब आपका काम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2i कैप -4j कैप +k कैप। इतने बात समझ आ गई होगी। अब सबसे पहला काम, दोनों का परपेंडिकुलर चाहिए तो हम क्या ज्ञात करेंगे, ए बी क्रॉस
ऐसे वेक्टर पता करेंगे, तो उसका तरीका आपको बताया हुआ है आई के जे के के के। फर्स्ट वेक्टर है 1 -3 -1 -2 -4 1, एक्सपेंशन कर दो फर्स्ट से क्या आएगा देखो, -3 प्लस और माइनस 4, ठीक है, माइनस का जे कैप इसको छोड़ दो, 1 -2 प्लस के कैप क्या आएगा, -4 -6। तो स्टूडेंट ये बन जाएगा माइनस का 7i कैप माइनस माइनस प्लस जे कैप और माइनस का 10k कैप। इतनी बात समझ आ गई होगी, कोई डाउट है, क्लियर हो गया होगा इतना, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद हम जैसे इसको यदि मैं एक बार ये मान लूँ कोई डी वेक्टर, यदि मैं इसे -7i + j -10k कैप को कोई डी वेक्टर मान लूँ, तो हमें इसकी डायरेक्शन में एक ऐसा वेक्टर पता करना है जिसका मैग्नीट्यूड 5 हो। तो अब सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ से प्रोसेस मैं आगे बता देता हूँ, सबसे पहले आप क्या फाइंड आउट करोगे, डी कैप। डी कैप का फॉर्मूला डी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ डी, बताया हुआ है, आज ही ऐसा क्वेश्चन किया भी हमने। फिर जितना भी रिजल्ट आई उसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दोगे, 5 का। क्यों? क्योंकि देखो इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, और हमें कितना बनाना है, 5 बनाना है, तो 5 का मल्टीप्लाई कर दो, तो बच्चों ये आपका क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। तो स्टूडेंट आज के इस लेक्चर के अंदर हमने आपके जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है उससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल थे आपकी बुक के उनको सोल्व किया। नेक्स्ट लेक्चर बच्चों जो हमारा रहेगा वो आपका कंप्लीट 13.3 पे रहेगा। हाँ, लेकिन कुछ होमवर्क जो मैं आपको देना चाहूँगा वो ये है कि आप अपनी बुक के जो क्वेश्चन नंबर 1 है 2 है 7 है और 6 है इन क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास करोगे, ठीक है। 1, 2, 6 और 7 इन क्वेश्चन का सोल्व करने का प्रयास करोगे। हाँ, यदि आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप उनसे पूछोगे, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।